टेस्ट करके देखो कैसा है। ये देखो छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जा रहा है। चाइल्ड लेबर। काम पे लग रहे हो? तो ये आ गई है हमारी चाय। चीयर्स। अब हमारे परांठे कब आएंगे? बना रखा था चटनी, आलू की सब्जी, बथुआ के परांठे, मेथी के परांठे, एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर मीम। हाँ जी, तो आप क्या बना रहे हो? ये हमारे पहाड़ी नींबू। तैयार बैठी। खाने में अच्छा लगता है। पहाड़ी नींबू है, खाने में अच्छा लगता है। इसमें थोड़े से चटपटे नमक बना के, नमक मिर्ची और क्या नाम कहते, लहसुन डाल के, और उसके बाद गुड़ डालते हैं। अच्छा। गुड़ डालते हैं, गुड़ डालने के बाद इसमें थोड़ा दही डालते हैं। अच्छा। वो मसाला हो गया सारा। ठीक है। मसाला हो गया, उसके बाद हम इसको मिला के अच्छी तरह घोल के मिला के फिर खाते हैं। ये है नमक। अच्छा। ये है नमक, इसमें लहसुन के पत्ते और धनिया, लहसुन के पत्ते, हाँ लहसुन के पत्ते होते नहीं। अच्छा। नमक मिर्ची और जीरा, ये हमारा मसाला है। अच्छा। नींबू का मसाला है वो। हाँ, क्या नाम कहते हैं, फिर इसको सिलबट्टे में पीसते हैं हरी मिर्च डाल के। अच्छा। फिर इसको खा के इसके स्वाद चाट में कैसा होता है। स्वाद चाट। अच्छा, अंदर अंदर का निकाल के बाहर का फेंक देते हैं। हाँ।
उठो 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 पंकज, सो गए? खाना नहीं है? खाना खाएगा। नींबू? हाँ, टेस्ट करके देखो कैसा। खट्टा है। खट्टा मीठा। बैक साइड है हमारे गांव की, जहाँ पे कोसी रिवर, जो आपको मैंने कल भी दिखाई थी, इसके आप आवाज सुन पा रहे होंगे पानी की, इतनी तेज आवाज है और बहाव है। और यहाँ पे सोचो कोई भी नहीं आता। सो हम यहाँ पहुंच गए हैं। पंकज जी, आप कुछ बताइए इस जगह के बारे में, आपको जितनी नॉलेज मिली है मेरे भाई से। ये कोसी नदी है। ये सुंदरखाल का बैक साइड मेन रोड, यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर उस तरफ है, फिर ये गांव शुरू होता है, गांव का बैक साइड, और ये कोसी नदी, और इस तरफ ये पूरा जंगल, खासतौर पे कोर एरिया है, यहाँ पे शेर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जब बाढ़ आती है तो ये तकरीबन ये नदी जो इतनी छोटी सी, एक नाला छोटा सा नदी, ये सफ़ेद पत्थर वहाँ तक जो दिख रहे हैं आपको, वहाँ तक ये वहाँ तक करती है। और जब बाढ़ आती है, जैसे 10 साल में 15 साल में एक बार, तो वो जो दूर घर है, ये सुंदरखाल की जो घर है, ये वहाँ तक अटैक करती है। वहाँ भी 6 से 7 फुट पानी भर जाता है, सोचिए कितनी चौड़ी। और यहाँ तकरीबन इस साइड हमारे इस तरफ एक गाँव है चुकम, तकरीबन 800-900 मीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर। तकरीबन 6 महीने पहले कुछ औरतें यहाँ इसी तरफ ही लकड़ियाँ काटने गई थी, 5 औरतें थी, तभी टाइगर ने अटैक किया, एक औरत को उसने पकड़ लिया, मतलब कैप्चर किया और मारा और ले गया। और फिर गांव वाले ढूंढने लगे, फिर यहीं उसको पीछे उसकी डेड बॉडी मिली थी, आधा शरीर खा चुका था शेर, इतनी उस तरह से खाया शेर ने कि उसके कपड़े अलग थे, जो ज्वेलरी जो पहनी थी वो अलग करके आराम से इतमान से खाया था उसकी आधी डेड बॉडी में। कुछ नहीं है अभी, आप देखेंगे आप चारों तरफ कैमरा घुमाए तो आपको ना आदमी ना आदमी की जात दिखेगी, दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। तो हम यहाँ नेचर के क्लोज पहुँच गए हैं, और यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। सोचो जो हमारा गांव था जहाँ पे हमसे, वो भी बहुत दूर पहुँच, मतलब बहुत दूर दिख रहा है वो, और इसके बैक साइड में यहाँ पे कोसी रिवर भी है, और एकदम मतलब शांति आपको मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है जैसे लोग पहुँचे होते हैं ना, और जैसे हम कल गए थे मंदिर के पास, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, तो इस टाइम पर कहीं ऐसे जगह जाना भी ठीक नहीं रहता। बस अपना मंदिर हम गए, अपना दर्शन करके आ गए। सो यहाँ पे वी आर इन्जॉइंग द वेदर, द पीस, द नेचर। सो आप बहुत ही एकदम अच्छा, और बहुत ही मतलब मेरा भाई जो है, कज़न जो है, वो नदी पार कर रहा है, और यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल है नदी पार करना, और हमको बहुत डर लगता है ना नदी, हम कहीं बह जाएं, इनके लिए वेरी नॉर्मल। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो नदी पार कर रहा है, यहाँ पे तो चलना भी इतना मुश्किल लगता है हमको।
अब देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, नहीं यहाँ पे सारा खाली पड़ा हुआ है। और अगर ये टूरिस्ट प्लेस होता, मतलब यहाँ पे अगर होटल बना दो तो ये कितना चले, और यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ हो और लोगों की कमाई हो। बट वो ये नेचर नेचर होता है, अगर इस जगह को भी आप इतना वो ऑक्यूपाई कर दोगे तो इसका मज़ा ही नहीं रह जाएगा ना। एकांत जो होता है और इसकी जो ब्यूटी होती है वो अकेले में ही मतलब आप बंदा फील कर सकता है, भीड़ भाड़ में सेल्फीज़ के बीच में वो ब्यूटी ब्यूटी नहीं रह जाती। ये देखो अब इतना शांति, और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। यहाँ पे आपको नदी भी है, पहाड़ भी एक तरफ दिख रहे हैं, और प्लेन भी है साथ में एरिया, हवा भी एकदम ताज़ी है। ये जो मेट्रो लाइफ की जो भागम भाग से हम दूर आके यहाँ पे रहते हैं, तो यू फील अ डिफरेंट एकदम फीलिंग जो आती है। तो ये मेरा भाई उस पार गया था नदी के ये इसके हाथ में आपको लग रहा होगा कि लकड़ी है, बट ये लकड़ी नहीं है, ये हिरन के सींग है जो इसको मिले। तो हम देखते हैं एक्चुअल में ये सींग कैसे होते हैं। शेर तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, आप फिर देखिए ये सींग देखिए। दिखाना सिंह अपने अपने सर पर लगाओ। ये है हिरन के सिंह, इसे ले चलते हैं, जा सकते हैं। मेरी और ये है बेर जो हम अभी खा के देखेंगे कैसे लग रहे हैं। खट्टे हो रहे हैं।